और आपको बता दें कि यहाँ पर जबलपुर रांची थाना प्रभारी विजय पारस्त ने भी जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर शुक्रवार की शाम 6:30 बजे जो है सपन कोरी आग जलाकर ताप रहा था, और तभी वहाँ पर आशीष नामक युवक आया और साथ ही आग तापने लगा। वहीं आशीष की तरफ से यहाँ पर सपन कोरी को यहाँ पर जाति सूचक शब्द कहते हुए यहाँ पर अपमानित किया, और जहाँ पर सपन यहाँ पर जब आशीष को यहाँ पर जाति सूचक शब्द कहने से मना किया तो यहाँ पर आशीष की तरफ से सपन के साथ मारपीट करने लगे और इसके ऊपर यहाँ पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। और वहीं जब सपन के पिता ने यहाँ पर बीच बचाव किया तो आशीष ने यहाँ पर उसके पिता से भी मारपीट की है, और वहीं घायल सपन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बताया जा रहा है कि रांची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना रांची में सपन कोरी के द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई कि एक दो दिन पूर्व ठंड अधिक होने से शाम को वो अपने साथियों के साथ बैठकर आग जलाकर ताप रहे थे। तभी आशीष नाम के व्यक्ति ने, जो है उनके दोस्त ने, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका सपन ने विरोध किया, और विरोध करने के कारण जो है आशीष ने जो है मारपीट की, किसी नुकीले चीज़ से मारा। उसी दौरान जो है उनका खुद पिता जो बचाने आए थे उसके साथ भी मारपीट की है, जिन्हें साधारण चोटें हैं। फरियादी द्वारा दिखाई गई सूचना पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 294, 323, 324, 506 ताजी रात हिंद के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना अभी जारी है, आरोपियों की तलाश पतारसी की जा रही है।